इजी नहीं होता एक्शन, एक्शन करना है तो थोड़ा अंदर से एक एक विजन जरूरी होता है। एक दौर था जब होता था जब सुनील शेट्टी जी एक्शन किया करते थे, बच्चन साहब उससे पहले एक्शन किया करते थे, पर एक बार जब हमारे रोमांटिक फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद एक्शन पिक्चरें किसी ने बनाई नहीं। साउथ में एक एक्शन जॉनर है, हॉलीवुड में एक एक्शन जॉनर है, और ये जॉनर जो है हिंदुस्तान में हिंदी पिक्चरों में मेरे ख्याल से यूज़ ही नहीं हुआ है। एक दौर था जब होता था जब सुनील शेट्टी जी एक्शन किया करते थे, बच्चन साहब उससे पहले एक्शन किया करते थे, सुनील शेट्टी एक्शन स्टार थे लास्ट हमारे उससे पहले, एंड बच्चन साहब थे एंग्री यंग मैन, वो एक्शन करते थे। बट एक बार जब हमारे रोमांटिक फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे अगर क़यामत से क़यामत तक कहें, मैंने प्यार किया, DDLJ, हम आपके कौन, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल, तो मतलब शुरू ही होता गया सिलसिला, तो उसके बाद एक्शन पिक्चरें किसी ने बनाई नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का कि उन्हें मेरी एक्शन पिक्चरें पसंद आई हैं, क्योंकि मेरी जो एक्शन पिक्चरें हैं, जो मेरा स्टाइल है, वो किसी से यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि कोई बेंचमार्क ही नहीं है यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसे एक्शन का, तो अपना ही स्टाइल है। और मुझे अच्छा लगता है कि कोई कहे कि सिद्धार्थ आनंद का एक्शन स्टाइल ये है, तो वो अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं बैक टू बैक, चाहे वो बैंग बैंग हो, वॉर हो, या फिर पठान हो, अब हम कहें थोड़ा सा मास्टरी भी मिल रही है आपको। मास्टरी तो मैं कहूँगा थोड़ी दूर की बात है, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ सिनेमा का। हर फिल्म में कुछ ना कुछ सीख मिलती है मुझे, वॉर से कुछ सीख मिली, बैंग बैंग से कुछ सीख मिली, अब पठान से भी सीखूंगा कुछ, और फाइटर में डालूंगा। तो मैं मास्टरी तो दूर है, मास्टर्स तो बहुत बड़े हैं, दिग्गज हैं मास्टर्स, तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा वक्त है मुझे। ये आपका बड़ा फन है, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में वॉर और पठान, दो बैक टू बैक जिसने 50 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग हुई जी, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक्सपेक्टेशन थी? एक्सपेक्टेशन तो उतनी नहीं थी। अंदर दिल में अंदर तो एक्सपेक्टेशन होती है, हर 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 पिता को अपने बच्चे से उम्मीद होती है कि ये खरा उतरेगा, पर इस बार तो वो मतलब डिस्टिंक्शन से पास हो गया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है मेरा बच्चा। सो उम्मीद रखता था, बट बहुत मज़ा आया ये रिस्पांस देख के ऑडियंस का। सिद्धार्थ, ये जो एक्शन की जो कोरियोग्राफी होती है, एक कोरियोग्राफी ही है वो कितना मुश्किल होता है उस जॉनर को बनाना, उस तरह की एक्शन फिल्मों को बतौर डायरेक्टर, आपने सलाम नमस्ते भी जी है, जी और भी फिल्में बनाई हैं, बिल्कुल, कितना मुश्किल होता है ये जॉनर टच करना या इसको इस लेवल का बनाना? आई मीन एक्शन तो होते हैं, लेकिन इस लेवल का एक्शन, अभी कहूँगा मुश्किल है तो लगेगा कि अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट मुश्किल है, इजी नहीं होता एक्शन, क्योंकि एक्शन में क्या होता है कि आपका क्रू साइज भी आपका 300 लोगों का हो जाता है। अगर आप रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर बना रहे हैं तो 150 में हो जाता है, 100, 125, 150 में, या 300 लोग होते हैं, या सेफ्टी होता है, बहुत सारा प्रेप होता है, उसका डिज़ाइन होता है, और फिर एग्जीक्यूशन के दिन क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या मुश्किलें आती हैं, तो जो आपने सोचा हो वो शायद थोड़ा कम निकले, तो वो थोड़े चैलेंजेस होते हैं। पर एक चीज़ है कि एक्शन करना है तो थोड़ा अंदर से एक एक विजन ज़रूरी होता है। मेरा ट्रांजिशन सडन नहीं था, लोग सोचेंगे कि मैं रोमांटिक कॉमेडीज़ बनाता था और फिर मैंने एक्शन कर दिया, बट अगर देखा जाए तो मेरी दूसरी फिल्म ही तारारंपम में कार चेज के ऊपर फिल्म थी, बहुत एक्शन था उसमें कार चेज का, और मेरी दूसरी फिल्म थी वो। पहली बार हमने स्टॉक कार रेसिंग जो सिर्फ USA में होती है वो दिखाई हमने हिंदी पिक्चर में, जो बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम था एक्शन और वो जॉनर कार रेसिंग का। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक थोड़ा सा कीड़ा था एक्शन करने का, तो अब पूरा बाहर आ चुका है। फिल्म में जिस तरह से शाहरुख ने भी एक्शन किया, हम देख रहे हैं जो दर्शकों का जो रिस्पॉन्स है जी, यार 57 साल का आदमी सीरियसली मतलब जी, किस तरह आप देखते हैं शाहरुख के एक्शन को इस लेवल के? वो अगर आप उनकी उम्र बता रहे हैं मुझे तो मुझे एहसास हो रहा है, वरना आप उनसे मिलेंगे आपको भी एहसास नहीं होगा, ना ही फैंस को एहसास होता है। तो कहीं दुनिया भर में जब उनकी पिक्चरें भी दिखाई जा रही हैं, पठान दिखाई जा रही हैं, तो वहाँ से कमेंट्स आते हैं कि ये 57 है, अनबिलीवेबल, लोग मान ही नहीं रहे। तो आई थिंक वो सिर्फ एक नंबर है एज, आप शाहरुख जी से मिलेंगे तो उनमें जो एनर्जी है वो मुझसे ज़्यादा है, वो किसी से भी ज़्यादा है यूनिट में, मेरे असिस्टेंट से ज्यादा एनर्जी उनकी, वो कुछ भी बोले, यहाँ से छलांग, यहाँ से वहाँ, उल्टी पलटी कुछ भी कर लेंगे वो, यहाँ से जंप, वहाँ से, ये तो उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, ही इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। तो एज तो आई थिंक वो तभी शुरू हुए हैं, ये तो लगता है कि उनकी पहली पिक्चर है, कम बैक नहीं, ये उनका इनकी फर्स्ट फिल्म है, ये लॉन्च है शाहरुख खान का, अभी तो पूरा दौर बाकी है।
पेंडेमिक के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चल रही थी, कहीं डर था कि यार दर्शक को किस तरह से सिनेमाघरों तक खींचना है। डर ज़रूर था, बड़ी पिक्चरें नहीं चल रही थी, बट क्या है कि एक बात है, ये डर मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ वॉर के वक्त। वॉर जब 2019 अक्टूबर में आई थी, उससे पहले 2 साल तक सारी बड़ी पिक्चरें, सारी बड़ी स्टार्स की पिक्चरें फ्लॉप हो रही थी, और जो बिग आइडियाज़ वाली फिल्म थी छोटे स्टार्स की, था वो सब बहुत बड़ा बिजनेस कर रही थी। तब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये शायद दौर ख़त्म हो गया है इन बड़ी पिक्चरों का, लोग अभी बड़ी कहानियां शायद देखना चाहते हैं स्मॉल टाउन की, वो डर था तब। पर वॉर ने 50 करोड़ के ऊपर ओपनिंग ली, फिर 300 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया, तो थोड़ा मतलब लगा कि नहीं यार दौर नहीं होता है, पिक्चर होती है। तो वो मुझे थोड़ा होप दे रहा था ये पैंडमिक के दौरान, जब हमने पठान बनाना शुरू की। मेरे जो प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा, उन्होंने इतना पैसा लगाया पिक्चर के पीछे, वॉर से ज़्यादा पैसा उन्होंने पठान के ऊपर लगाया, जानते हुए कि हमें पैंडमिक के बाद पिक्चर ला रहे हैं, तो उनका भी बहुत फेथ था फिल्म में, बहुत गट्सी हैं वो। तो हमें उससे थोड़ा फेथ आ रहा था कि आदित्य जी इतना गलत नहीं सोच सकते। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ पिक्चर का। मैं राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। जी समझ गया। मैं एक आम जनता की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से विरोध हो रहा था, सिनेमाघर को बंद कराए जा रहे थे, तब एक डायरेक्टर के दिल में क्या चल रहा था? डर था थोड़ा कि यार ये पता था मुझे कि पता था कि इस फिल्म में कुछ ऐसा है नहीं जो किसी को उत्तेजित करेगा, बट डर था कि ये ऑडियंस तक बात कैसे पहुंचाएं हम, कि उन्होंने पिक्चर देखी नहीं है। ये डर था कि ऑडियंस एक बार देख ले तो खुद जान जाएगी कि पिक्चर में कुछ उत्तेजित नहीं है, कुछ ऑफेंसिव नहीं है। बट ऑडियंस एंड में जीत गई, ऑडियंस ने हमें जिता दिया, उन्होंने देखा, उनको बहुत मज़ा आया। और जो हार गए हैं वो वही बॉयकॉट वाले हैं, जो उनका वो सफल नहीं रहा, उनका एजेंडा सफल नहीं रहा, गलत एजेंडा था उनका। तो वो भी मैं चाहता हूँ आके देखें पिक्चर और देखें कि इसमें कुछ नहीं है जो उन्हें बुरा लगेगा। मैं चाहता हूँ आके देखें पिक्चर, उन्हें भी मज़ा आएगा पिक्चर में, वो भी एंटरटेन होंगे। बिल्कुल, मैंने भी एक दर्शक की हैसियत से देखा और मुझे भी कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उसमें कुछ गलत है, एक आम दर्शक की धारणा अगर देखें तो। जी, कहीं प्रेशर था कि यार शाहरुख को लेकर फिल्म बना रहे हैं तो दर्शकों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, प्रोड्यूसर्स की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। 4 साल के बाद शाहरुख की वापसी हो रही थी, पिछली कुछ फिल्में उनकी नाकाम भी रही थी, वो प्रेशर था आपको? वो प्रेशर मुझे पिछले 2 महीने से लग रहा था, क्योंकि मैंने देखा उनका फैंडम कितना बड़ा है। तब मुझे लगा कि ये मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं अपने हाथों में ले लिया है। तो तब वो फिल्म से ज़्यादा बड़ा हो गया, ये पिक्चर सिर्फ फिल्म नहीं रही, एक इमोशन बन गई, एक सेलिब्रेशन बन गई, एक अचीवमेंट बन गई। एंड वो ज़रूरी था कि वो खरी उतरे वो फिल्म। तो वो प्रेशर था हम पे, और मैं अभी बहुत रिलीव्ड हूँ। शाहरुख की तरफ से किस तरह की शाबाशी मिली? वो मुझे बस रोज गले लगाते हैं, वो मेरी शाबाशी है। अच्छा, एक चीज और, सीधा सलमान खान को लाना इस फिल्म में, ये आइडिया बेसिकली बताओ डायरेक्टर आपका था या प्रोड्यूसर का था? नहीं, ये सलमान को लाना पूरा श्रेय और आइडिया मैं मेरे प्रोड्यूसर आदि को दूंगा। वो उनका आइडिया था, वो चाहते थे कि सलमान भी आए इस फिल्म में। एंड तो हमने मेहनत की कि वो सिर्फ एक कैमियो ना हो, वो एक यादगार मेमोरेबल रोल बन जाए। तो उसमें एक्शन भी अच्छा हमने मेहनत की, कॉमेडी भी लाए, और इन दोनों ये दो जब आए उन्होंने इम्प्रोवाइज भी किया, और मतलब 100% एंटरटेनमेंट रह गया वो। अब आप पे प्रेशर और ज़्यादा होगा क्योंकि कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके करियर की सबसे बड़ी हिट रही है, चाहे वो ऋतिक हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो दीपिका हो, चाहे करेक्ट हो। जी, अब जब आगे आप फिल्म बनाएंगे तो किस तरह प्रेशर या रिलीव बनाएंगे? बट मैं चाहता हूँ कि एक्टर्स मेरे पास ये प्रेशर लेकर ना आए, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि मतलब सक्सेसफुल रहे, कि हमारी कहानी ऑडियंस तक पहुंचे और वो एंजॉय करें। अब वो कितना एंजॉय करें उनके हाथ में, तो ये प्रेशर मैं नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, पठान के सीक्वल बनाएंगे कुछ है प्रोग्राम? इंशाल्लाह बनानी चाहिए हमें सीक्वल, क्योंकि बहुत पसंद आई लोगों को, तो अभी करेंगे फाइटर के बाद कुछ ना कुछ प्रोग्राम।